और ये पंजे किसी और को दिखे गया? क्या चीज? यहाँ चिल्ले भैया फोन किया ना, चिल्ले भाई। अच्छा। जो वाला पहले की तरफ उतरे एक आया मैसेज, उसके बाद की से इस साइड आने का एक निशान। एक बार डिस्कस कर लो, एक बार डिस्कस कर लो तो अपन टिकट खाली स्कैन कर आप लोग बैठो जाएंगे। हमारे गाइड ने स्नो लेपर्ड के बारे में पता करने के लिए स्कैनर्स को फोन लगाया। किधर? अच्छा तने वहाँ ये सो तुम देचे किधर पगमान में? यहाँ से जो दिख रहे आप, लास्ट मोड़ जो है। हमें ये खबर आती है कि स्कैनर ने चेचन वैली में स्नो लेपर्ड के पगमार्क देखे हैं, पर उसी वक्त की मोनिस्ट्री से भी खबर आती है कि स्नो लेपर्ड वहाँ भी स्पॉट हुआ था। वो स्नो लेपर्ड एक ही था या उसने ही मूवमेंट की थी, ये खबर पक्की करने के लिए हम की मोनिस्ट्री की तरफ निकले। अभी खबर आई है कि एक स्नो लेपर्ड की मोनिस्ट्री के यहाँ पे स्पॉट हुआ है, तो हम इमीडिएटली वहाँ पे जा रहे हैं। हमको उस पहाड़ी के टॉप पे चढ़ना है, वहाँ लेपर्ड स्पॉट हुआ है ऐसा बोल रहे लोग, तो अभी हमको ये पूरी चढ़ाई चढ़नी है। ये छोटे से दिख रहे हैं ये दो लोग, वहाँ पे स्नो लेपर्ड स्पॉट हुआ है और हमको ये पूरा ये चढ़ के यहाँ तक पहुँचना है। इसमें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं डेफिनेटली, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन होना चालू हो गया है। वहाँ तक पहुँचना भी इट्स नॉट सिंपल बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत हाइट पे हैं। दो बातें ब्रेन में दौड़ रही थी, एक तो अगर ये वाला लेपर्ड दूसरा हो तो इतनी चढ़ाई चढ़ना मायने रखता था, अगर ये लेपर्ड मूव कर चुका हो तो फिर हमारा यहाँ आने का प्लान फेल था। हम सीधी चढ़ाई चढ़ रहे थे, बढ़ने वाला हर कदम थकावट और कमजोरी ला रहा था, ऊपर से दिखेगा या नहीं दिखेगा ये भी सोच जोश को और कम कर रही थी। तभी एक मॉन्ग ऊपर से आए, उन्होंने ये बताया कि वहाँ एक लेपर्ड स्पॉट हुआ था पर वो अभी पत्थर के पीछे चला गया है। फिर भी हम चढ़ाई चढ़ते रहे और टॉप पे पहुँचने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे ही सही हम उस चोटी के टॉप पे पहुंचे। स्कैनर्स, गाइड और हम सबकी नजरें उस पत्थर के आसपास ही थी, हल्की सी मूवमेंट भी हमें उसकी मौजूदगी का यकीन दिलाती, पर ऐसा हुआ नहीं। कहाँ पे गया है एग्जैक्टली? ये वो फर्स्ट क्लिप है ना, फर्स्ट क्लिप। हाँ हाँ, वो उसके अंदर गया वो, ये वाला वो ऊपर वाला, ऊपर वाला गुफा जैसा ना। और किसने देखा क्या फिर? ये वो बंदे ने देखा बोला, फिर भाग गया बोला वो पीछे। तो अभी देखो वो वहीं होगा, अभी उसी के आसपास होगा। टॉप पे पहुंचे हैं, वो जो नीचे से चालू किया था की मोनेस्ट्री से, वहां से हम टॉप पे पहुंचे हैं। आपको दिख रही होगी, ये मैं दिखा देता हूँ, ये की मोनेस्ट्री और हम एग्जैक्टली इसमें टॉप पे, और जितना टाइम हो सके हम यहीं पे वेट करेंगे कि शाम होने से पहले वो एटलीस्ट बाहर निकल जाए। 5:10 हो गए, सन डाउन हो गया, हम वेट कर रहे हैं अभी तक। कुछ पगमार्क जो स्नो लेपर्ड जिस पोजीशन पे चल के है वो पूरा ट्रेलिंग मार्क बने, पगमार्क्स बने, पर वो जो क्लिफ है उसके पीछे की तरफ चला गया। क्या हम शाम होने तक उस जगह पर डटे रहे। बर्फ में उसके पगमार्क लगे थे, यानी कि ये पक्का था कि स्नो लेपर्ड वहां से गुजरा है, पर अभी तक ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ था कि चिचम वैली और यहाँ का स्नो लेपर्ड एक ही था या अलग अलग। यहाँ हमारा सिर्फ एक ही काम था, सुबह उठो, कैमरा बैग पैक करो और स्नो लेपर्ड को ढूंढने चलो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इससे हम बहुत परे थे। सिर्फ एक ही एम था, इस ठंड में अपने आप को हेल्दी रखो और बर्फ में रहने वाले उस वाइल्ड लाइफ को जितना हो सके उतना ढूंढो, देखो और कैप्चर करो।
कुछ हैबिक्स दिखे हैं स्कैनर को, उसी जगह पहले जाएंगे, वहाँ पे हैबिक्स को शूट करेंगे। आसपास अगर स्नो लेपर्ड होगा तो उनको कील भी दिखने की संभावना है, तो इसलिए हम उस पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पे अभी हैबिक्स दिख रहा है और वहाँ पे शांति से बैठ जाएंगे। थोड़ा चल के जाना पड़ेगा ना, अंदर रोड पे ही है। ओके ओके, केव जैसा है। हाँ, उसके साथ वो दो पत्थर जैसे दिख रहे हैं, वो ही बैठे हुए हैं। कहाँ पे है वो जो पत्थर जैसा है? वो तो मेरे को, हाँ वो आईबैक्स है क्या? सो जो अभी आईबैक्स दिखे हैं वो बहुत बहुत दूर है। मेरे पास अगर 800 लेंस भी होती तो भी उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। सो हम थोड़े नज़दीक आ चुके हैं उनके, और यहाँ से अच्छा खासा दिख रहा है वो। आपको जस्ट बता देता हूँ कि वो कहाँ पे है। ये जो गुफा है इसके साइड में ये दो है इधर, और ये एग्जैक्टली रीच पे है। बहुत ढलान है, सीधा खाई है। क्या ब्लूशिप भी है? कहाँ पे? कहाँ पे? अरे हाँ 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 हाँ, ब्लूशिप। फिर निकाल दिया तो लेपर्ड भी आने की चांसेस अब ऊपर। हम अभी और नजदीक जा रहे हैं, पूरा बर्फ है नीचे, यू कैन सी से वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे क्लिफ है। ओके साइलेंट रहना, बहुत कुछ तो भी नज़दीक है, इसलिए मैं उसे अब भी बोला कि साइलेंट रहो। शायद ब्लूशिप या आईबैक्स बहुत क्लोज है। सामने ये ब्लू शिप दिख रही है, पूरे 90 डिग्री की ढलान में है। हम यहाँ पे कुछ अच्छे शॉट के लिए वेट कर रहे हैं, और शायद यहाँ स्नो लेपर्ड आने के भी चांसेस है। सो वी आर वेटिंग हियर और कि कुछ हलचल हो जाए। ब्लूशिप थोड़ा आगे चले गए, और जिस कंडीशन में हम शूट कर रहे हैं वो माइनस में है। पूरे पैर जो है वो पूरे बर्फ में, बर्फ पूरे शूज़ के अंदर जा चुका है, पूरा सॉक्स गीले हो चुके हैं, पैरों का जो सेंसेशन है वो चला गया है। जस्ट अभी एक रेड फॉक्स दिखा है, हम उधर ही जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बैठा है वो, सोया है, तो हम इमीडिएटली उसी की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी, अगर रेड फॉक्स मिल जाए तो वो भी एक खूबसूरत क्रीचर है यहाँ का, और रेयर भी है उसको शूट करना। वो एकदम मस्त मस्त दिख रहा है वो, और उसकी आंखें एक नंबर है, एक नंबर है, एकदम बहुत बढ़िया देखा उसने हमारी तरफ, और उसकी आंखें एकदम पाप आई है। एक नंबर है, रेड फॉक्स को इतने करीब से देखना, वो एकदम चट्टान के एकदम एंड पॉइंट पे बैठा है, अभी तो सो रहा है वो। We all are
एक्चुअली एंजॉयिंग दिस विंटर वाइल्ड लाइफ. मतलब हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि ऐसे बर्फ में वाइल्ड लाइफ को ढूंढना, उनको देखना. और मतलब रियली इट्स मतलब मैं पक्का वापस जरूर आऊंगा. जब हम रेड फॉक्स को देख रहे थे तभी खबर आती है कि स्नो लेपर्ड स्पॉट हुआ है, पर इस बार ये चेचम वैली या की मॉनेस्ट्री के करीब नहीं तो हिक्किम में, यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे. जस्ट अभी स्नो लेपर्ड स्पॉट हुआ है. कहाँ पे वो एग्जैक्टली? हिक्किम पे. हम वहीं पे जा रहे हैं और वो स्टेबल है. दो स्नो लेपर्ड स्पॉट हुए, यहाँ से दूर है तो हम उसी की तरफ अभी निकल रहे हैं. सो अगेन फिंगर क्रॉस. Let's hope for good shots. दो घंटे एक बहुत बड़ा वक्त था. उसके बाद उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए हमें 1-2 घंटे का और हाइक करना था, यानी स्नो लेपर्ड मूवमेंट करने का 99% चांस था. पर फिर भी हम 1% चांस भी गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे हम हिक्किम की तरफ निकले. और फिर हमारे सामने हमारे लाइफ की वो गोल्डन मोमेंट हमारा इंतजार कर रही थी. राइट इन फ्रंट ऑफ अस, सामने वाले केव में 3 लेपर्ड्स है, 1 बच्चा और 1 कपल है. पता नहीं क्या हुआ था हमको, हम पागल हो चुके थे. जब 3-3 स्नो लेपर्ड एक साथ दिखे तो पूरी जर्नी आंखों के सामने थी. क्या कुछ नहीं किया था हमने यहाँ आने के लिए. सच में वो पल हम सबके लिए बहुत ही खुशी का पल था. आखिरकार इतना तो पक्का था कि हम अभी खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले, और हमारे बकेट लिस्ट का सबसे टॉप वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ था. पैरों में पूरा बर्फ जमा है और वो पत्थर जैसा बन गया. कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? चले 4 किलोमीटर्स ना. और जो स्नो लेपर्ड था वो उस पहाड़ के पीछे की तरफ था. 2.5 घंटे लगे और उसके लोकेशन पे पहुंचने के लिए. बर्फ में चलना इतना इजी नहीं था, पैर फ्रीज हो रहे थे क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसी जगह रुके थे. और आप एक जगह बर्फ में कंटिन्यूसली खड़े रहोगे, पैरों की उंगलियां पूरा फ्रीज हो जाती है. तो बीच बीच में हम उंगलियां भी हिला रहे थे थोड़ा गर्मी आने के लिए. पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शूज के अंदर बर्फ ही बर्फ है अभी. अभी हम जब जाएंगे तब निकालेंगे. और जो सॉक्स है एक्स्ट्रा सॉक्स रख लेना, स्पेयर सॉक्स.
मतलब ये गीले हो गए सपोज स्नो चला गया तो अगर हमें कहीं बैठना चेंज करने के लिए तो चलते चलते तो चलेगा गीले में चल सकते लेकिन कहीं बैठना पड़ा ना तो गीले सॉक्स पहन के नहीं बैठ सकते फिर क्यों ठंडा हो जाएगा तो स्पेयर रखना। अभी स्कैनर की तरफ से एक खबर आई कि जहाँ पे हमने रेड फॉक्स देखा था उसी वैली में स्नो लेपर्ड दिख रहा है। खतरनाक वाला एक्साइटेड वाला सीन है अभी। चलो 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 हम लोग यहाँ पोजीशन पकड़ेंगे। हाँ मूव किया उनको मूव किया मतलब उस पोजीशन पे नहीं है मूव किया अभी 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 थोड़ा सा बैड खबर आया वो जिस लोकेशन पे था उस लोकेशन से मूव किया तो अगर वो थोड़ा सा लंबा चला तो फिर डिफिकल्टी होगा। अभी हम खबर लगा रहे हैं कि कहाँ पे जाने का। ये यही चिचम वैली वाला स्नो लेपर्ड था जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे पर कुछ ना कुछ वजह से वो हमारे हाथ ही नहीं आ रहा था। सो गाइस हमारा सेटअप हो गया। हम अभी विद स्कैनर और हम तीन चार लोग यहाँ पे बैठे हैं। इस वैली की इधर कुछ तो भी है और यहाँ पे भी स्नो लेपर्ड है। सुबह जो खबर आई थी उसके लोकेशन के बारे में उस हिसाब से हम वही जा रहे थे पर अगर सुबह से उसके ऊपर कोई नजर बना के रखा है तो वो अचानक गायब होना थोड़ा अलग लग रहा था। अच्छा शॉट आया तो मज़ा ही कुछ और होगा क्योंकि सन भी पीछे से है और लाइट एग्जैक्टली उसी वैली पे गिर रही है तो अगर दिख जाए इट्स ऑसम ऑसम ऑसम। इसलिए सबके मुताबिक वो वहीं पे ही है ऐसा लग रहा था। एक घंटा हुआ दो घंटे हुए 5 घंटे बीत चुके थे पर वो सामने नहीं आया। बीच बीच में वहां मौजूद जानवरों के बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वो वही किसी पत्थर के पीछे छुपा है और अब किसी भी समय हमें हंटिंग देखने को मिल सकती है पर सभी जानवर उस जगह से बड़ी आसानी से चले गए और ये शाम हमारी खाली हाथ गई। हाँ जी क्या कर रहे हैं? अब ढूंढ रहे हैं मिल ही नहीं रहा क्या हो गया पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ। पता नहीं कल से नीचे उतरा बोला ना अभी दिख नहीं रहा हम लोग दिखा थे निशान दिखाए क्या कुछ झूले 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 ये नीचे को आया बोलो पग मार तो अभी ढूंढ रहे हम लोग नीचे में देखेंगे ये परे ऊपर से मतलब वो कल का वाला ही है क्या? हाँ जी कल का वाला ही। अब बात समझ में आ रही थी ये कोई दो अलग स्नो लेपर्ड नहीं थे। की मोनेस्ट्री के ऊपर वाली पहाड़ी में जो स्नो लेपर्ड देखा गया था उसी को ही स्कैनर्स ने आज वैली में फिर से देखा था और उसकी मूवमेंट कहीं और नहीं तो चीचम गांव की तरफ थी और अगर हमारा अंदाज सही निकला तो वो हमें कल सुबह चीचम गांव के करीब दिखने की पूरी संभावना थी। स्पॉटेड स्नो लेपर्ड अभी हम भाग रहे क्योंकि वो आगे मूव कर रहा है और हम अभी 8 बजे जैसे ही कॉल आया हम फटाफटक से रेडी होके अभी ब्रश भी नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है डायरेक्टली उसके पीछे भाग रहे हैं। अभी कितना दूर है वो पता नहीं क्योंकि वो कंटिन्यूसली आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है। अंदाजा सही था उसे चिचम ब्रिज के करीब देखा गया। पिछले 4 दिन से हम इसके पीछे थे और जब चिचम की जर्नी का आखिरी दिन था तब हमने उसे देखा। फ्रॉस्टबाइट हुआ है पैर में। फ्रॉस्टबाइट नहीं वो क्या बोलते हैं फ्रॉस्टबाइट की शुरुआत हुई स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज।
हाँ अभी ओके। छोटा उंगली फील हुआ? हाँ अभी फील हो रहा है थोड़ा और। अच्छा यहाँ पर गया। चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने की तभी पता चलेगा ना। सुबह 9 बजे से इसी पोजीशन पे बैठा है और अभी 3 बज गए, 6 घंटे हो चुके हैं। उसकी कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही, वो हमारे सामने है कंटिन्यूसली, बट वो थोड़ा सा मूव करके फिर से सो रहा है। 6 घंटे हो गए वो लगातार सो रहा है। हमारी पूरी मतलब एकदम जो बोलते हैं ना पेशेंस की हद हो गई है। और इस सिचुएशन में आज अभी और एक है कि पूरे बादल छा गए, सन भी नहीं है, टेम्परेचर बहुत खतरनाक तरीके से ड्रॉप है, -15 -18 के आसपास टेम्परेचर है। अभी आप देख रहे हो कि पूरा बादल छा गया है, हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है। अगर उसने मूवमेंट की तो हम कुछ अच्छे शॉट्स कैप्चर कर पाएंगे। हम बस निकलने ही वाले थे तब उसने मूवमेंट की। 9 घंटे इस कपकपाती ठंड में बैठकर उस पल का इंतज़ार करना सफल हुआ। जाते जाते उसे बर्फ़ पे चलते हुए देखना था, वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई। स्पीति वैली के इस जर्नी ने हमें एक पल भी नाराज़ नहीं किया, जो दिल से मांगा वो किस्मत देती गई। धीरे धीरे हमारी आँखों के सामने हिमालय में रहने वाला वो प्यारा सा भूत गायब हो गया। हम चिचम को चाहे कितना भी मिस करें, हमें मूलचंद हमेशा याद रखेगा। वो नाराज़ था। अब घर जाके 10 दिन के बाद सिर्फ एक ही काम करना था,